हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको। और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे। वो इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, कम से कम बास्टर्ड तो ना बने। इतना अपमान तो ना करें हम अपने पिता का। तो हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को, तो फिर कहां भेजेंगे? जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें भेजेंगे। फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम है, बढ़ जाएंगी। जब धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतीय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। आप सोचो 18,000 करोड़ रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है, इतना ही रुपया आर्य समाज के गुरुकुलों को मिल जाए, या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए, या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतीयता आधारित गुरुकुल चलाते हैं, तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगे। वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है। अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं, बैठने को जमीन पे टाट पट्टी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सामान्य जरूरतों की चीजें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाह उस तरफ। जो प्रजा ना नहीं कहती, गलत को गलत नहीं कहती, वो प्रजा गुलाम होती है। तो जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत पैदा करिए, और अगर ये गलत है तो उस गलत के साथ अपना रिश्ता तोड़ने का काम करिए। गलत को प्रोत्साहन मत दीजिए। आपको अगर ये समझ में आता है कि अंग्रेजी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल बहुत गलत हैं, उनसे कोई भला नहीं हो रहा, तो इनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। अपने बच्चों को इन अंग्रेजी स्कूलों में भेजना बंद कर दीजिए।